अरे हाँ बाबा, मैं आपका काम कर चुकी हूँ। हाँ हाँ, आपकी भी फाइल बना चुकी हूँ। ऑफ कोर्स मैं ये फिल्म भी देख चुकी हूँ। चुकी हूँ, चुका हूँ, चुके हैं। आई मीन सच अ बिग कंफ्यूजन। तो पहले मुझे ये बताएं कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं। सो अगर आपको कोई भी सेंटेंस जो चुका है, चुकी है एंड चुके हैं में मिलता है, उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें? आई मीन आई डोंट गेट इट कि कैसे अगर मुझे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को या रिलेटिव को कोई सेंटेंस इंग्लिश में बताना है जिस सेंटेंस की एंडिंग चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं है, हाउ टू ट्रांसलेट सच सेंटेंसेस। सो दैट इज व्हाई दिस इज सलोनी, योर आईएलटीएस ट्रेनर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर, वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद अ वेरी न्यू टॉपिक एंड दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब है कि चुका है, चुकी है एंड चुके हैं वाले ट्रांसलेट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी से चुकी है, चुका है या चुके हैं के साथ होती है। अगर कोई सेंटेंस हिंदी में चुका है, चुकी है एंड चुके हैं के साथ एंड हो रहा है तो आप इजिली चेक कर सकते हैं कि या इजिली जान सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब अगर आपको पता चल चुका है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नाउ कम्स कि आप उसके रूल्स लगाएं। एंड इसके रूल्स ये है कि whenever you come to know कि present perfect tense है, तो आपको immediately याद करना है that you have to use has and have. Has और have का use होगा इसमें। अब has किसके साथ use होगा? Has use होता है he, she and it के साथ। And have use होता है I, we and you and they के साथ। He, she, it के साथ has, I, we, you, they के साथ have। और जो verb की form use होती है, that is verb third form. आप वर्ब की थर्ड फॉर्म सारे परफेक्ट टेंसेस में यूज करेंगे, वेदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वेदर पास्ट परफेक्ट टेंस और वेदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट से याद रख लें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब बात करते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा। हमारा एज यूजुअल जो सेंटेंस है मोहन का, उसी पे चलते हैं। सो द मोहन का जो मोहन का सेंटेंस बनेगा वो ये है, मोहन खाना खा चुका है। Mohan has eaten food. Mohan khana kha chuka hai. Jab maine chuka hai dekha, I come to know ki ye present perfect tense hai. And present perfect tense ke maine rules laga diye. Mohan jo ki ek ladka hai, matlab ladka matlab he and he ke sath has lagta hai. To maine Mohan ke sath has laga diya. Mohan has eaten. Eaten is the third form. Eaten jo hai wo third form hai. Mohan has eaten food. Aur jo hamara food hai, that is the object. So the complete tenses and sentences, Mohan has eaten food. Then comes the negative of this sentence. जो sentence का negative होगा वो कुछ इस तरह होगा, Mohan खाना नहीं खा चुका है। Mohan खाना नहीं खा चुका है। नहीं का मतलब कि negative and English में नहीं का मतलब कि not. अब हम लोगों को English के sentence में not लगाना है. So the sentence will be, Mohan has not eaten food. मोहन ने खाना नहीं खाया है या फिर मोहन खाना नहीं खा चुका है। मोहन इज द सब्जेक्ट, हैज जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स, नॉट हमारा हिंदी में सेंटेंस नहीं में है तो मैंने नॉट लगा दिया। ईटन इज द थर्ड फॉर्म एंड फूड इज द ऑब्जेक्ट। देन कम्स इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मीनिंग है सवाल, क्वेश्चन। और जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरह होगा, क्या मोहन खाना खा चुका है? मतलब कि मैंने क्या को आगे कर दिया और मोहन को पीछे कर दिया। क्या मोहन खाना खा चुका है? So the English will be, has Mohan eaten food? अगर आप लोगों ने, मैं फिर से यही कहूंगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हमारी ओल्ड टेंसेस की वीडियोस, तो गो एंड चेक दोज वीडियोस, क्योंकि उन वीडियोस में हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है that how we convert the interrogative sentences out of the negative sentences. So हम लोग इनकी position change कर लेते हैं। Mohan second position पे और जो has या have है वो first position पे question पूछने के लिए, मतलब कि interrogative sentences बनाने के लिए। So the sentence is has Mohan eaten food? Has first position पे, Mohan second position पे. Eaten is a verb third form and food is the object. So in this manner, you can make the sentences as well. Has Mohan eaten food? Then comes the last one. The last is interrogative plus negative sentences.
मतलब कि क्वेश्चन भी हो एंड हमारा साथ साथ नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो। अब हमारा क्वेश्चन या फिर सेंटेंस जो हिंदी में बनता है वो ये है, क्या मोहन खाना नहीं खा चुका है? यू कैन सी कि मेरे पास क्या भी है जो कि क्वेश्चन को बताता है या क्वेश्चन को दर्शाता है, देन आई हैव नॉट ऑल्सो जो कि मेरी नेगेटिविटी को या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस को बताता है। सो इफ यू हैव बोथ द थिंग्स तो वो आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे होगी? कुछ इस तरह होगा दैट एज आई ऑलरेडी हैव मेंशन्ड हियर कि जो हैज है वो आगे होगा, सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे होगा, हैज मोहन नॉट, मतलब कि इमीडिएटली आफ्टर द मोहन आफ्टर द सब्जेक्ट आपको नॉट लगाना है। सिर्फ और सिर्फ पोजीशन याद रखने की जरूरत है, बाकी सारा सेंटेंस तो सेम ही है। हैज मोहन नॉट ईटन फूड, हैज इज द रूल, मोहन इज द सब्जेक्ट, नॉट इज अगेन द रूल, eaten is the verb third form and food is the object. Has Mohan not eaten food? मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, अगर किसी को सेंटेंस की लोकेशन में या सेंटेंस के किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, या मैंने कैसे has को आगे कर दिया कैसे not को पीछे कर दिया, so go and check the previous videos जो टेंसेस की बनी हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, गो एंड चेक देम, आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। And if you'll still be having any problems, so don't forget to comment me also. So this is all about the present perfect tense. जिसमें हम लोगों ने simple मतलब कि assertive sentences, negative, interrogative and interrogative plus negative चारों के चारों में लिखे हैं। And इसके साथ साथ अगर आपको कुछ और भी problem है, so don't forget to tell me through the comments. And don't forget to subscribe my channel, like this video, don't forget to share also. अपने सारे friends के साथ share कर दें। Because अगर किसी को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट उसकी हेल्प तो हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।